नंबर डॉक्टर सुरेंद्र इज अ रीनोन मेडिकल प्रैक्टिशनर हु मेंटेन्स बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन अ कैश बेसिस फर्निचर्स इज रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर टू थाउजेंड तो इसमें भी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है यानी कि इनकम फ्रॉम प्रोफेशन को एड करना है और एक्सपेंसिस रिलेटेड टू प्रोफेशन को लेस कर देना है यहाँ हमको निकालना क्या है टेक कम्प्यूटर्स टेक्सीबल प्रोफेशनल इनकम फॉर द एसेसमेंट ईयर 2022-23 आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन इन एडिशनल इन्फॉर्मेशन को ध्यान रखते हुए हमको प्रोफेशनल इनकम कैलकुलेट करना है तो एक दिया हुआ है ये फर्स्ट और सेकेंड पॉइंट कार से रिलेटेड है पहले पहला पॉइंट जो है वो से है. तो पे, कार से रिलेटेड तो यहाँ पर कार पर हम लगा देते हैं रो उसके बाद दूसरा मोटर कार पे डेप्रिसिएशन दिया है बुक का और सर्जिकल इक्विपमेंट का तो वो तो एसेट है वो जब आएगा तो हम देख लेंगे उसको तीसरा गिफ्ट से रिलेटेड है तो गिफ्ट पे कर लेते हैं मार्क चौथा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन मेडिसिन से रिलेटेड है तो वो देख लेंगे हम अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को टू बैलेंस ब्रॉड डाउन इससे नहीं मतलब है कंसल्टेशन फीस भाई ये डॉक्टर हैं तो इनका कंसल्टेशन फी ये प्रोफेशनल इनकम हो गया यानी कि एड होगा दूसरी चीज़ यहाँ पे 2020 21 का भी दिया है 21 बाईस का भी दिया और 22 तेईस का दिया है जबकि हमारा असेसमेंट ईयर है 2022 23 तो हमें बस 2021-22 का इनकम लेना चाहिए लेकिन ये अगर इसमें 2021-22 के रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दिया है यानी कि इसी ईयर में इनको मिला है तो हम इन तीनों अमाउंट को साथ में प्लस करके लेंगे ये भी ऐड होगा ये भी और ये भी 15,000 थाउजेंड प्लस थ्री थाउजेंड प्लस टू थाउजेंड यानि कि ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज़ आप सीधे सीधे ऐड कर लोगे कंसल्टेशन फ़ीस लिख के विजिटिंग फी ये डॉक्टर हैं विजिट किए होंगे उसका चार्ज है तो वो भी अलाउ होगा ऐड हो जाएगा यहाँ पे आप लिख लो अलाउ ऐड टू लोन फ्रॉम बैंक फॉर प्रोफेशनल पर्पज लोन तो प्रोफेशनल पर्पज के लिए लिया गया है लेकिन ये यह यहाँ का पार्ट नहीं है ये बैलेंस शीट का पार्ट है तो इसको नहीं लेंगे हालांकि कोई इंटरेस्ट ऑन लोन दे रखा होगा तो वो जरूर लेस करेंगे पेमेंट साइड अगर दिया होगा तो उसके बाद टू सेल ऑफ मेडिसिन भाई ये डॉक्टर हैं इन्होंने मेडिसिन बेची उसका पैसा यानी कि प्रोफेशनल इनकम तो ये अलाउड है ऐड हो जाएगा टू गिफ्ट्स एंड प्रेजेंट ये उस पर डिपेंड करता है कि किससे गिफ्ट मिला है तो इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट में आ जाओ आप थर्ड पॉइंट में गिफ्ट्स एंड प्रेजेंट्स इंक्लूड थ्री थाउजेंड फ्रॉम पेशेंट इन अप्रिसिएशन ऑफ इज मेडिकल सर्विस एंड टू थाउजेंड रिसीव एज बर्थडे गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव पर्सनल कोई भी रिलेटिव फ्रेंड कोई भी देता है गिफ्ट तो वो डिसअलाव होता है लेकिन जिस प्रोफेशन में है अगर उससे रिलेटेड कोई गिफ्ट मिल रहा तो अलाव है यहां पे इनको पेशेंट दे रहा है इनके अच्छे मेडिकल सर्विस के लिए इनको अप्रिशिएट करने के लिए तो पेशेंट ये डॉक्टर हैं यानी कि ये प्रोफेशनल हो गया एक तरह से तो तीन आप एड करोगे क्योंकि ये पेशेंट से मिला है और ये डॉक्टर हैं टू रेमोनरेशन फॉर्म आर्टिकल्स पब्लिश इन प्रोफेशनल जर्नल तो रेमोनरेशन इनको मिला है आर्टिकल से जो कि प्रोफेशनल जर्नल में आया है तो फिर ये भी ऐड हो जाएगा क्योंकि ये इनके प्रोफेशन से रिलेटेड इनकम हो गया टू डिविडेंड क्रॉस ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का पार्ट है यहाँ पे नहीं आएगा टू इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक अकाउंट इन जॉइंट नेम ये भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का पार्ट है यहाँ पे नहीं आएगा अब पेमेंट साइड आ जाते हैं बाय रेंट ऑफ क्लिनिक सेम जैसे भी हमने कंसल्टेशन फी का किया कि जितने साल का दिया है यानी कि उसी ईयर हमारा प्रीवियस ईयर 2021-22 हमें बस उसका अमाउंट लेना है लेकिन अगर ये 2021-22 के रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दिया हुआ है इसका मतलब ये पिछले ही साल इनका गया है जो हमारा प्रीवियस ईयर था तो यहाँ पे ये दे रखा है आपका 2020-21 का सिक्स हंड्रेड रुपीज का 4800 और ट्वेंटी का 600 आप इन तीनों अमाउंट को एड करोगे एक साथ और लेस करोगे रेंट ऑफ क्लिनिक लिख के क्योंकि ये हम मानेंगे कि पिछले ही साल इनका ये खर्चा हुआ है तो ये भी लेस होगा ये भी तीनों को एक साथ आप ऐड करके रेंट ऑफ क्लिनिक लिख के लेस कर देना बाई एलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर बिल्स टू थाउजेंड रुपीज़ तो ये भी कुछ नहीं किवेंट होता है तो हम मानते हैं इनके प्रोफेशन से ही रिलेटेड होगा ये जहाँ पर इनका हॉस्पिटल होगा उसका ये बिल होगा तो इस वजह से अलाव होगा ये और ये लेस हो जाएगा पूरा अमाउंट दो हज़ार रुपये बाई प्रोफेशनल बुक्स एनअल पब्लिकेशन चार हजार रुपये बुक तो एसेट है ये अमाउंट नहीं ले सोगा लेकिन इसका डेप्रिसिएशन लेस होगा और बुक से रिलेटेड यहाँ डेप्रिसिएशन दे रखा है हमको एडजस्टमेंट में डेप्रिसिएशन ऑन बुक इज़ फोटी परसेंट तो यहाँ पे फोर थाउजेंड रुपीज़ है बुक का अमाउंट तो आप लिखोगे डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स और फोर्टी परसेंट आप लेस कर दोगे फोर थाउजेंड का फोर्टी परसेंट उसके बाद हाउस होल्ड एक्सपेंसिस ये पर्सनल है ये लेस नहीं होगा कलेक्शन चार्जेस ऑन डिविडेंड इनकम ये इनकम इंक, फ्रॉम प्रोफेशन का पार्ट नहीं है इस वजह से ये नहीं आएगा इसमें मोटर कार परचेज ये तो एसेट है लेकिन इसका डेप्रिसिएशन लेस होगा तो डेप्रिसिएशन यहाँ दे रखा है डेशन ऑन मोटर कार अलावेबल इज फिफ्टीन परसेंट पंद्रह परसेंट दे रखा है तो मोटर कार यहां पे थर्टी थाउजेंड रुपीज है तो ये थर्टी थाउजेंड का है तो एट द रेट पंद्रह परसेंट तीस हजार का आप पंद्रह परसेंट निकाल लोगे वो पूरी गाड़ी का डेप्रिसिएशन आ जाएगा फिर आ जाओ आप यहाँ एडजस्टमेंट के फर्स्ट पॉइंट पे लिखा है वन थर्ड ऑफ यूज ऑफ कार रिलेट टू इज पर्सनल यूज जब वन थर्ड पर्सनल यूज का है यानी कि टू थर्ड पोर्शन प्रोफेशनल पर्पज़ के लिए है और हमने पढ़ा है कि कोई भी खर्चा हो सिर्फ प्रोफेशनल से रिलेटेड ही हम लेंगे तो पूरे कार का डेप्रिसिएशन थर्टी थाउजेंड का फिफ्टीन परसेंट आ जाएगा वो जो भी वैल्यू आएगा उसका आप टू थर्ड अमाउंट ले लेना क्यों क्योंकि केवल टू थर्ड ही वो गाड़ी प्रोफेशनल पर्पज़ के लिए यूज़ हुई है और हम केवल प्रोफेशनल से रिलेटेड ही खर्चा लेस करेंगे उसके बाद सर्जिकल इक्विपमेंट एसेट है ये तो और प्रोफेशनल से रिलेटेड है तो इसका डेप्रिसिएशन तो लेस होगा अमाउंट नहीं लेस होगा क्योंकि ये बैलेंस शीट का पार्ट है तो इसका डेप्रिसिएशन बोला गया है ऑन सर्जिकल इक्विपमेंट इज़ फिफ्टीन परसेंट तो सर्जिकल इक्विपमेंट का प्राइस दे रखा है फोर थाउजेंड एट हंड्रेड आप डेप्रिसिएशन निकालना फोर थाउजेंड एट हंड्रेड का पंद्रह परसेंट और लेस कर देना अमाउंट बाय इनकम टैक्स ये पर्सनल होता है ये लेस नहीं होगा सैलरी ऑफ स्टाफ यानी कि इन्होंने अपने स्टाफ को सैलरी दिया ये भी इनका प्रोफेशनल खर्चा हो गया तो ये अलाउ होगा ये लेस हो जाएगा लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम भाई लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम यानि कि पर्सनल खर्चा ये लेस नहीं होगा गिफ्ट टू वाइफ वाइफ को दिया पर्सनल में आ गया रिलेटिव को दिया मतलब वाइफ रिलेटिव में आ गई ये पर्सनल खर्चा हो गया लेस नहीं होगा उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन इंटरेस्ट ऑन लोन लेस होगा क्योंकि लोन प्रोफेशनल पर्पज के लिए लिया गया था इस साइड गिवेन है यहाँ पे टू लोन From बैंक फॉर प्रोफेशनल पर्पज तो इंटरेस्ट ऑन लोन दो हज़ार रुपये तो दो हजार रुपये अलाव है लेस हो जाएगा उसके बाद कार एक्सपेंसेज अभी हमने पढ़ा कार केवल वन थर्ड पर्सनल के लिए केवल टू थर्ड प्रोफेशनल के लिए यानी कि टोटल कार एक्सपेंसेज पंद्रह हजार रुपये फिफ्टीन थाउजेंड रुपीज़ का टू थर्ड पोर्शन ही आप लेस करोगे हम क्योंकि प्रोफेशनल से रिलेटेड ही खर्चे बस लेस करते हैं उसके बाद है परचेज़ ऑफ मेडिसिन चालीस हजार रुपये ऐसे तो यहाँ एडजस्टमेंट में क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन अमाउंटेड टू पाँच हज़ार पाँच सौ दे रखा है लेकिन ये आप ध्यान से अब पढ़ना है यहाँ पे परचेज ऑफ मेडिसिन यहाँ पे ये यह पूरा पूरा अमाउंट लेस हो जाएगा यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक से हमको कोई मतलब नहीं है यानी कि चालीस हजार रुपया आप पूरा लेस कर दोगे ये तो एक चीज़ हो गया अब यहाँ पे हम क्लोजिंग स्टॉक क्यों नहीं ले रहे हैं जबकि क्वेश्चन नंबर एटीन अभी हमने किया डॉक्टर गुप्ता वाला उसमें क्लोजिंग स्टॉक दे रखा था और मेडिसिन परचेज तो हमने क्या किया ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक किया सेम ऐसे ही इलस्ट्रेशन नंबर ट्वेंटी थ्री में आप आओगे तो देखोगे वहां पे भी यही चीज़ हुआ है कि परचेज ऑफ मेडिसिन थर्टी एट थाउजेंड रुपीज और मेडिसिन का क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है बारह हजार रुपए तो यहां पे भी इन्होंने वही किया ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक तो यही चीज हम जो अभी क्वेश्चन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी उसमें क्यों नहीं कर रहे हैं चीज उसमें सीधे परचेज क्यों ले रहे हैं क्योंकि यहां पर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है भाई देखो एंड एंड पेमेंट अकाउंट साल के एंड में बनता चालीस हजार रुपए ये कंज्यूमेबल अमाउंट ही है जो हम कैलकुलेट करते थे ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक करके ये साल के अंत में बना है यानी कि बस इतना ही कंज्यूम हुआ था जितना परचेज किए थे चालीस हजार रुपए ठीक है तो जितना भी इन्होंने परचेज किया था उसमें से चालीस हजार रुपए का ही बस कंज्यूम किया होगा तो चालीस हजार रुपये ही आप अमाउंट लेस करोगे क्लोजिंग स्टॉक ये ऑलरेडी कैलकुलेट होके हमको दिया है जबकि कैश बुक में क्या होता है जो कि लस्टेशन नंबर ट्वेंटी थ्री में है कैश बुक बना हुआ है तो कैश बुक में डेट वाइज ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होता है यानी कि जो जब हुआ वैसे ही रिकॉर्ड कर लिया जाता है जो जब मिले तो यहाँ पे कैश बुक था तो जब भी परचेज किया होगा उतना लिख दिया और जो क्लोजिंग स्टॉक बचा जब का भी वैसे लिख दिया उसके बाद तो यहां पे कैश बुक था इस वजह से ऐसे जब भी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपको दिखे तो आप सिर्फ परचेज ऑफ मेडिसिन ही लेस कर दोगे चालीस हजार रुपए बैलेंस क्रेडिट डाउन आप नहीं लोगे और कोई एडजस्टमेंट बचा नहीं है सब हमने देख लिया पहला वाला देख लिया कार से रिलेटेड था दूसरा डेप्रिसिएशन था तीसरा गिफ्ट था चौथे से हमको यहां पे मतलब नहीं क्योंकि ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है सॉल्यूशन देखते हैं ट्वेंटी का सबसे पहले हम फॉर्मेट बनाएंगे कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम प्रोफेशन फिर जो भी असेसमेंट ईयर चल रहा होगा वो लिखेंगे हम फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-2023 क्योंकि यहाँ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट था इसलिए हम इनकम फ्रॉम प्रोफेशन ऐड करेंगे और एक्सपेंसेस रिलेटेड टू प्रोफेशन लेस कर देंगे इनकम फ्रॉम प्रोफेशन जितने भी इनकम है पहले वो लिख लेते हैं हम तो बैलेंस ब्लॉट डाउन से नहीं मतलब है कंसल्टेशन फी तीनों साल का एक साथ दिया है यानी कि इनको तीनों साल का हमारे प्रीवियस ईयर में ही मिला है तो हम लिखेंगे कंसल्टेशन फी और तीनों अमाउंट ऑफ प्लस कर देना यानी कि थ्री थाउजेंड प्लस फिफ्टीन थाउजेंड प्लस टू थाउजेंड ये हो गया आपका फिफ्टीन थाउजेंड प्लस थ्री थाउजेंड एटीन थाउजेंड प्लस टू थाउजेंड ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज़ उसके बाद fee, है विजिटिंग फ़ी ये डॉक्टर हैं तो इनको विजिटिंग फ़ी मिला होगा जहाँ पे ये गए होंगे तो वो भी फुल अमाउंट टैक्सेबल है प्रोफेशनल से रिलेटेड है इस से ऐड होगा तीस हजार रुपये उसके बाद दे रखा है लोन फ्राम बैंक फॉर प्रोफेशनल पर्पज़ लोन तो प्रोफेशनल पर्पज़ के लिए है लेकिन अमाउंट नहीं आएगा क्योंकि ये बैलेंस शीट का पार्ट है उसके बाद आप लिखोगे सेल ऑफ मेडिसिन ये इनका प्रोफेशनल पर्पज़ से रिलेटेड इनकम है क्योंकि इन्होंने मेडिसिन बेची ये डॉक्टर हैं उससे इनका इनकम आया तो वो अमाउंट आप ऐड कर दोगे साठ हजार रुपये उसके बाद है गिफ्ट्स एंड प्रेजेंट तो ये उस पर डिपेंड करता है कि किससे गिफ्ट मिला है तो इसमें हमको एडजस्टमेंट में दे रखा था कि तीन हज़ार का गिफ्ट इनको पेशेंट से मिला है और दो हज़ार का रिलेटिव से तो जो रिलेटिव वाला मिला है वो पर्सनल इनकम हो गया लेकिन जो तीन हजार इनको पेशेंट से मिला है ये इनका प्रोफेशनल इनकम हुआ क्योंकि इनको प्रोफेशन से रिलेटेड लोगों ने दिया है तो हम लिखेंगे यहाँ पे गिफ्ट्स फ्रॉम पेशेंट पाँच हजार आप पूरा मत लेना केवल जो प्रोफेशन से रिलेटेड है बस वो लेते हैं यानी कि तीन हजार रुपए बस आप लोगे दो हजार रुपये नहीं लोगे उसके बाद है रेमोनरेशन फ्रॉम आर्टिकल्स पब्लिश इन प्रोफेशनल जर्नल आर्टिकल पब्लिश इन प्रोफेशनल जर्नल्स तो भाई एक प्रोफेशनल जर्नल था उसमें इनको एक आर्टिकल लिखा है तो उसमें इनको पैसा मिला तो ये तो प्रोफेशनल इनकम हो गई इनकी क्योंकि ये प्रोफेशनल जर्नल लिखा हुआ है साफ साफ तो भाई आप ऐड कर लेना उसके बाद दिया हुआ है डिविडेंड ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का पार्ट है यहां पे नहीं आएगा इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक ये भी यहां पे नहीं आएगा अदर सोर्सेज का पार्ट है तो बस इतना ही अमाउंट है इसको आप ऐड कर लो ये आ जाएगा वन लाख नाइन्टीन थाउजेंड रुपीज़ उसके बाद आप लेस करोगे एक्सपेंसेस रिलेटेड टू प्रोफेशन जो खर्चे इनके प्रोफेशन से रिलेटेड हैं वो आप लेस करोगे सबसे पहले रेंट ऑफ क्लिनिक तीन साल का दिया हुआ है इस साल के रिसिप हमारे प्रीवियस ईयर के रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में यानी कि तीनों साल का एक साथ इन्होंने पे किया है तो पूरा अमाउंट अपलेस करोगे तो रेंट ऑफ क्लिनिक 2021 का है सिक्स हंड्रेड रुपीज़ का है फोर थाउजेंड और ट्वेंटी का है सिक्स हंड्रेड तो ये आप ऐड कर लोगे तो ये हो जाएगा ट्वेल्व हंड्रेड प्लस फोर्टी एट हंड्रेड या आ गया सिक्स थाउजेंड रुपीज़ तो इनर कॉलम में आप लिखोगे फिर एक साथ सारे अमाउंट को ऐड करके आप आउटर कॉलम में लिख के इनकम से लेस कर दोगे तो ये छः हजार रुपये उसके बाद रेंट के बाद दे रखा है इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर बिल कुछ नहीं दिया है मानेंगे इनका प्रोफेशन से रिलेटेड है खर्चा कि इनका जो क्लिनिक होगा उसका ये वाटर बिल और इलेक्ट्रिसिटी बिल है तो इस वजह से अलाउ है ये एक्सपेंसेस लेस हो जाएगा देखा है दो हजार रुपए तो आप लेस कर दो उसके बाद है प्रोफेशनल बुक्स एनुअल पब्लिकेशन तो बुक एसेट है बुक का वैल्यू तो नहीं लेस होगा लेकिन उसका डेप्रिसिएशन लेस होगा प्रोफेशनल बुक और एडजस्टमेंट में दे रखा है कि बुक पे डेप्रिसिएशन लगाना है चालीस परसेंट तो आप लिखोगे फोर थाउजेंड रुपीज का बुक था फोर थाउजेंड का फोर्टी परसेंट आप कैलकुलेट करोगे यानी कि वन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड रुपीज आ जाएगा उसके बाद है हाउस होल्ड एक्सपेंसेस ये पर्सनल खर्चा है ये लेस नहीं होगा फिर कलेक्शन चार्जेस ऑन डिविडेंड इनकम ये भी पीजीबीपी का पार्ट नहीं है नहीं लेस होगा उसके बाद मोटर कार परचेज एसेट है लेकिन उसका डेप्रिसिएशन जरूर लेस होगा जितना प्रोफेशनल पर्पज के लिए गाड़ी यूज हुई है मोटर कार फिर बोल गए डेप्रीसी ऑन मोटर कार डेप्रिसिएशन ऑन कार तो पहले कितने की है कार तीस हजार रुपए की इन्होंने खरीदी थी तो आप निकालोगे पहले थर्टी थाउजेंड का और डेप्रिसिएशन दिया हुआ है एडजस्टमेंट में पंद्रह परसेंट तो तीस हजार का पंद्रह परसेंट अब भाई ये तीस हजार का पंद्रह परसेंट ये पूरी गाड़ी का डेप्रिसिएशन आ गया लेकिन हमको केवल प्रोफेशन से रिलेटेड खर्चे लेने हैं तो एडजस्टमेंट के फर्स्ट पॉइंट में आप देखोगे लिखा हुआ है कि वन थर्ड ऑफ कार पर्सनल यूज यानी कि टू थर्ड प्रोफेशनल पर्पज तो डेप्रिसिएशन का भी केवल टू थर्ड पोर्शन ही आप लेस करोगे क्योंकि टू थर्ड गाड़ी प्रोफेशनल पर्पज से यूज हुई है तो थर्टी थाउजेंड का फिफ्टीन परसेंट उसका टू थर्ड तो इसको आप कैलकुलेट करोगे कैलकुलेटर में थर्टी थाउजेंड का फिफ्टीन परसेंट यह आ गया फोर्टी फाइव हंड्रेड फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड इसका आप टू थर्ड निकाल लोगे तो यह आ गया थ्री थाउजेंड रुपीज पहले आप तीस हज़ार का पंद्रह परसेंट निकालना फिर उसका टू थर्ड कर देना जो अमाउंट आएगा ये डेप्रिसिएशन ऑन कार रहेगा यूज़ फॉर प्रोफेशनल पर्पज़ उसके बाद है सर्जिकल इक्विपमेंट तो ये एसेट प्रोफेशन से रिलेटेड है लेकिन एसेट बैलेंस शीट का पार्ट है यहाँ पे अमाउंट नहीं लेस होगा इसका डेप्रिसिएशन जरूर लेस होगा डेप्रिसिएशन ऑन सर्जिकल इक्विपमेंट डेप्रिसिएशन बोला गया है चार हजार आठ सौ फोर थाउजेंड एट हंड्रेड रुपीज़ और आ, एडजस्टमेंट के सेकेंड पॉइंट में बोल रखा है कि सर्जिकल इक्विपमेंट पे पंद्रह परसेंट का डेप्रिसिएशन तो फोर थाउजेंड एट हंड्रेड का आप फिफ्टीन परसेंट कैलकुलेट करना फोर थाउजेंड एट हंड्रेड का फिफ्टीन परसेंट यह आ गया सेवन हंड्रेड ट्वेंटी रुपीज ये लेस कर दोगे आप उसके बाद है इनकम टैक्स ये पर्सनल खर्चा है लेस नहीं होगा सैलरी ऑफ स्टाफ ये इन्होंने प्रोफेशनल पर्पज़ हो गया अपने स्टाफ को इन्होंने सैलरी दिया है ना तो ये लेस होगा सैलरी ऑफ स्टाफ ये दिया हुआ है पंद्रह हजार रुपये उसके बाद है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम यह पर्सनल खर्चा है लेस नहीं होगा गिफ्ट टू वाइफ पर्सनल है वाइफ को दिया गया है तो ये भी लेस नहीं होगा डिस अलाउ आइटम है इंटरेस्ट ऑन लोन लोन प्रोफेशनल पर्पज के लिए लिया गया था इसलिए इंटरेस्ट ऑन लोन लेस होगा लोन नहीं लेस होगा क्योंकि वो बैलेंस शीट का पार्ट है तो इंटरेस्ट ऑन लोन दिया हुआ है दो हजार रुपये ये लेस होगा इंटरेस्ट ऑन लोन लेस हो जाएगा दो हजार उसके बाद है एक कार एक्सपेंसेस तो जितनी कार प्रोफेशनल के लिए यूज हुई है उतना ही पोर्शन बस आप लेना यहां पे तो टोटल तो एक्सपेंस तो है पंद्रह हजार का खर्चा है लेकिन हमको पूरे से क्या मतलब हमको प्रोफेशनल वाला ही खर्चा बस लेना है तो टू थर्ड गाड़ी प्रोफेशनल पर्पज के लिए यूज हुई है तो फिफ्टीन थाउजेंड का टू थर्ड पोर्शन आप निकालोगे फिफ्टीन थाउजेंड टू थर्ड तो ये आ जाएगा यह आज यही केवल आप लेस लेस करोगे उसके बाद ऑफ मेडिसिन तो क्लोजिंग स्टॉक भूल से भी लेस मत करना ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है साल के एंड में बनता है इसका मतलब कि जितना कंज्यूम हो गया है मेडिसिन बस उतना ही यहाँ परचेज ऑफ मेडिसिन में दिया है तो इसमें क्लोजिंग स्टॉक लेस करने की कोई जरूरत नहीं है जो हमने इलास्ट्रेशन ट्वेंटी थ्री और क्वेश्चन नंबर एटीन में किया था वहां कैश बुक था तो वहां पे करना होता है रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में नहीं तो यहाँ आप लिखोगे मेडिसिन परचेस्ड चालीस हजार रुपये ये खर्चा हुआ है इनका तो ये लेस कर दोगे उसके बाद सारे एडजस्टमेंट हमने देख लिए हैं अब बस इसको ऐड करके आउटर कॉलम में लिखेंगे हम और इनकम से हमारे लेस कर देंगे तो इसको आप ऐड करोगे सारे एक्सपेंसेस को तो ये आ जाएगा एट्टी थाउजेंड थ्री हंड्रेड ट्वेंटी रुपीज़ इसको आप लेस करोगे वन लाख नाइनटीन थाउजेंड में से वन लाख नाइनटीन थाउजेंड माइनस एटी थाउजेंड थ्री हंड्रेड ट्वेंटी तो ये आ जाएगा थर्टी एट थाउज़ेंड सिक्स हंड्रेड एट्टी रुपीज़ इनकम फ्रॉम प्रोफेशन